हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्मार्ट हेल्पर एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने पूछा है कि सर आखिरकार मेरा डेटा अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। तो आई सिर्फ इसको दिखाने के लिए मैं ये पूरी वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा कि डेटा अपडेट क्यों नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पे चलते हैं, 2016 यूज कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2016 वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है और फिर यहां पर आ जाएगा क्रिएट, तो आपको क्रिएट पर कर देना है क्लिक। जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो आपके सामने ओपन होती हुई दिखाई पड़ेगी कुछ इस तरीके से। तो यहां पर आपको व्यू पे जाना है, फिर डिजाइन व्यू पे आ जाना है। ठीक है, अब यहां पर मैं स्टूडेंट के लिए टेबल डिजाइन कर रहा हूं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्टूडेंट टी। तो पहला टेबल जो है स्टूडेंट का है, तो ये लिख दिया मैंने स्टूडेंट टी। ठीक है, तो अब यहां पे स्टूडेंट की डिटेल आएगी। ठीक है, अब ये प्राइमरी की है, ये तो आप जानते ही हैं। यहां पे लिख देता हूं रोल नंबर। ठीक है, ये लिख दिया रोल और फिर लिख दिया नंबर, तो ये हो गया रोल नंबर क्लियर। और इसे ऑटो नंबर रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, टेक्स्ट रखते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, यू कैन टेक द डेटा टाइप फ्रॉम हियर। यहां से देख सकते हैं ये सारे डेटा टाइप आपको दिख रहे हैं, जो भी डेटा टाइप आपको ठीक लगता हो, जैसे शॉर्ट टेक्स्ट ले सकते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट तो लेने की जरूरत नहीं, नंबर ले सकते हैं या फिर ऑटो नंबर भी ले सकते हैं, तो आपको जो भी ठीक लगे वो ले लीजिए। ठीक है, और फिर यहां पे आते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं नेम ऑफ स्टूडेंट। क्या लिखूंगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहां लिख देता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लियर हो गया। अब यहां पर ये शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे इसको हम। ठीक है, और फिर यहां पर कर देता हूं स्टूडेंट की सिटी, तो ये कर दिया स्टूडेंट की सिटी, ये किस सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। ओके, तो यहां पे डायरेक्टली लिए लिखता हूं नेम ऑफ फादर। ठीक है, ये लिख देता हूं नेम ऑफ फादर, एफ ए टी एच ई आर, कुछ इस तरीके से लिख दीजिए नेम ऑफ फादर, तो ये आपका काम हो जाएगा। और फिर यहां पर जब आएंगे तो यहां पे नेम ऑफ मदर कर देंगे, तो यहां पर लिख देता हूं नेम ऑफ मदर, तो मदर एम ओ टी एच ई आर, नेम ऑफ मदर लिख दिया, नेम ऑफ फादर लिख दिया, बस इतना ही रखते हैं और यहां से क्लिक करते हैं और यहां से ओके कर देते हैं। इस तरह का आपको भी दिखाई पड़ेगा आप बनाते हैं तो। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा काम इतना। ठीक है, और यहां पर स्टूडेंट का नाम डालना है, तो मैं एक नाम डाल देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं यहां रमेश, तो ये पहले स्टूडेंट का नाम हो गया रमेश। ठीक है, सिटी इनकी देवरिया है, हम देवरिया के रहते हैं भाई, देवरिया ही लिखेंगे हम, और भी सिटीज का नाम आप दे सकते हैं, और इनके फादर का जो भी नाम हो वो यहां पर दे दीजिए, राम सिंह। तो ये हो गया इनके फादर का नाम, और मदर का नाम यहां पे लिख देता हूं मैं, ये लिख दिया मैंने गंगा देवी, ये मदर का नाम हो गया। इसी तरह से और भी डेटा अगर आपको चाहिए तो आप यहां पे लेके आ सकते हैं, बहुत आसान है, ये हो गया आपका काम। अब फिर यहां पर आइए, यहां पर आएंगे तो यहां पे दूसरा, यहां पे लिखता हूं मैं गौरव, और यहां पे फादर नेम कर देते हैं अनिकेत पांडे। इस तरीके से आप कोई भी डेटा यहां पे लेके आ सकते हैं, क्लियर है। तो ये लिख दिया मैंने अनिकेत पांडे, और ये हो गया, और यहां पे मदर नेम में कर देता हूं मैं सरिता पांडे। तो ये इस तरीके से हमने दे दिया है, और अब इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए यहां पे क्लिक कर सकते हैं, ये सेव कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इनके जो यूनिट वन या फिर टर्म वन का जो टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, उसके लिए यहां पर हम सब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो एक दूसरी टेबल बना लेते हैं हम। तो दूसरी टेबल बनाने के लिए वापस क्रिएट पे चले जाइए, यहां पे टेबल पे क्लिक कर सकते हैं, टेबल डिजाइन भी कर सकते हैं आप। तो फिलहाल टेबल पे क्लिक कर देता हूं और यहां से व्यू पे क्लिक कर देता हूं। इस टेबल को मैं नाम दे देता हूं रजिस्ट्रेशन टेबल, तो ये लिख दिया रजिस्ट्रेशन टी। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन की टेबल हो जाएगी, और यहां पर लिख देता हूं मैं रजिस्ट्रेशन आईडी। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन आईडी लिख दिया हमने, और यहां पर इस बार इसको ऑटो नंबर रख देते हैं। ठीक है, और यहां पर आते हैं तो यहां पे अब रोल नंबर भी देना होगा, तो ये लिख दिया मैंने रोल नंबर। एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए, अगर आप रिलेशनशिप क्रिएट करा रहे हैं तो एक फील्ड कॉमन होनी ही चाहिए, अगर नहीं होगी तो रिलेशनशिप आप नहीं क्रिएट करा पाएंगे। और रोल नंबर को कौन सा डेटा टाइप हमने यहां पे दिया था, इसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहां पे देख सकते हैं जो रोल नंबर है उसको भी हमने ऑटो नंबर दे रखा है, तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन को भी हमने ऑटो नंबर दिया है, दोनों सेम देंगे तो हमको दिक्कत होगी, तो यहां पर मैं चेंज कर देता हूं, यहां पर इसे टेक्स्ट कर देता हूं या नंबर कर देता हूं। ठीक है, और यहां पर रोल नंबर जो है इसे नंबर कर देता हूं। ऑटो नंबर आपने दिया है तो आप नंबर ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया, इसको यहां से सेव कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना हमें, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है, ये देखिए,
और यहाँ पे क्लिक करके और इसको यस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ऑटो नंबर ले लिया हमने, तो ये ऑटो नंबर हमको हटाना पड़ेगा। ऑटो नंबर मत दीजिए, यहाँ पे नंबर केवल दे दीजिए। तो ये हो गया नंबर, और यहाँ से आप व्यू पे क्लिक करके इसको सेव कर लीजिए। तो ये सेव करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसमें केवल दो ही चीजें हमने दी हैं, देख सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन आईडी दिया है और यहाँ पे रोल नंबर दिया है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी में क्या करते हैं, 1001 ये लिख देते हैं, और यहाँ पे रोल नंबर में 1 लिख देते हैं। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन आईडी में 1002 लिख देता हूँ और रोल नंबर 2 लिख देता हूँ। तो इस तरह से करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट की बात करेंगे, ये दोनों चीजें हो गई, दोनों ही को सेव करके और क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया, दोनों क्लोज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एग्जाम की बात करेंगे स्टूडेंट के, ठीक है। तो इसके लिए थर्ड टेबल बनाएंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इस टेबल को नाम दे देता हूं टर्म वन। क्या नाम दे देते हैं, टर्म वन। तो ये लिख दिया मैंने टर्म वन, ये नाम है टेबल का, ठीक है। तो ये टर्म वन का जो एग्जाम होगा उसका पूरा डिटेल यहां पर आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं कर देता हूं लाइक सपोज कीजिए, स्कॉलर नंबर ये लिख दिया, इसको शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं हम और इसे प्राइमरी की रखेंगे। तो ये स्कॉलर नंबर दे दिया हमने, और यहां पर क्या दे देता हूं, रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता हूं, या फिर रोल नंबर दे सकते हैं, चलिए रजिस्ट्रेशन ही दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर कर दिया हमने, ठीक है। एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए तभी रिलेशनशिप क्रिएट होगी। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, और रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां पर आप देख सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन वाला जो टेबल है इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर को कौन सा डेटा टाइप दिया है हमने, नंबर दिया है। तो आप इसमें भी नंबर ही देंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर ऐसा नहीं कि शॉर्ट टेक्स्ट कर देंगे, तब रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हो पाएगी, ठीक है। तो इसमें भी नंबर दे दिया हमने, और अब यहां पर बात कर लेते हैं रोल नंबर की। तो यहां पर लिख देता हूं रोल नंबर, कुछ इस तरीके से रोल नंबर लिख दिया हमने, और यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे, नंबर दे देंगे, ठीक है। और नंबर देने के बाद यहां पर सब्जेक्ट के नाम देंगे, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया कंप्यूटर, तो यहां पे नंबर डेटा टाइप हमें देना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है तो नंबर डेटा टाइप देना बहुत जरूरी है। और यहां पे दूसरा सब्जेक्ट जो है मैथ्स है, तो ये मैथ्स दे दिया, और यहां पर क्या करेंगे, इसको भी नंबर डेटा टाइप ही रखेंगे, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट यहां पे साइंस कर देते हैं, SCIENCE। आप चाहे तो और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैंने तीन ही सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो यहां से जाकर के और इसको भी नंबर बना दीजिए, और फिर यहां पर आएंगे तो यहां पर इसका टोटल करना है, ठीक है। टोटल किया हमने, और टोटल करने के बाद यहां पे एवरेज कर लेते हैं, एवरेज किया, और एवरेज करने के बाद यहां पर कर लेते हैं हम ठीक है। तो ये एवरेज कर दिया, लेकिन अब यहां पर हमें डेटा टाइप चेंज करना होगा। तो टोटल में क्या करेंगे, कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करेंगे। तो यहां कैलकुलेटेड पे आएंगे तो इस तरीके से ये विंडो ओपन होगी। अब हमें करना क्या है, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। अगर यही लीब्रा बेस्ड डेटाबेस होता तो यहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाते, हम डबल इंटेड कोड्स का उपयोग करते, लेकिन यहां पर आपको बनाना होगा क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। तो अभी आपको यहां पे लिखना है कंप्यूटर, तो आप सिंपली लिख दीजिए कंप्यूटर कुछ इस तरीके से, और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, प्लस का निशान लगाइए। फिर दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स, तो आप जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही मैथ्स लिख दीजिए, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैथ्स लिख देने के बाद प्लस का निशान लगाइए, और फिर एट लास्ट आपको लिखना है साइंस, तो यहां पे लिख दीजिए SCIENCE। तो ये साइंस भी लिख दिया, और इस तरह से आपका काम हो जाता है। और अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे ओके करना है, ठीक है, ये ओके हो गया। अब फिर यहां पर जब आइएगा तो यहां पर भी हमें क्या लेना है, कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेना है, ठीक है, कैलकुलेटेड ले लीजिए, और यहां पर भी कैलकुलेट करने का काम करेंगे हम। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहां क्या करते हैं, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है। और चूंकि हमने टोटल कैलकुलेट किया है, तो टोटल को तो पूरा कैलकुलेट कर चुके हैं हम, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड करना है, देखिए कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, तो 3 सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होंगे, 300 मार्क्स के होंगे ना, लेकिन कितने सब्जेक्ट हैं, 3 हैं, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब ये ओके कर दिया तो काम हो जाएगा, लेकिन हमको स्टूडेंट की फोटो भी लगानी है, तो स्टूडेंट की फोटो कहां से लगेगी भाई, तो यहां पर रोल नंबर के बाद देख सकते हैं यहां पर स्टूडेंट का नेम जो है नहीं दिया गया है, ठीक है। ये नेम जो है आप चाहे तो दूसरे टेबल से लेके आ सकते हैं क्वेरी बनाते समय, ठीक है, चाहे तो यहाँ नेम आप
खुद से भी दे सकते हैं। यहाँ पे जाकर के राइट क्लिक कीजिए और यहाँ इंसर्ट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर नेम दे सकते हैं, तो यहाँ पे कर दीजिए नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट कुछ इस तरीके से लिख दीजिए। और नेम ऑफ स्टूडेंट आपको वही वही देना है जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको दूसरे टेबल से भी फेच करा सकते हैं, तो इसको यहाँ पर ना लिख करके मैं दूसरे टेबल से ही फेच कराता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट टी वाला टेबल है, इसमें हम क्या करते हैं ना कि इसमें एक और चीज बढ़ा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर जा करके और ऊपर एक और रो इंसर्ट कराता हूँ, और यहाँ पर स्टूडेंट की फोटो की बात कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट की फोटो होगी, जो भी फोटो लगानी है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। डेटा टाइप क्या यूज करेंगे, अटैचमेंट डेटा टाइप यूज करेंगे। फोटो लगाने के लिए कौन सी डेटा टाइप, अटैचमेंट। अगर स्टूडेंट का रोल नंबर ईमेल आईडी है तो आप एक और इंसर्ट करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जाइए और इंसर्ट रो पे चले जाइए और यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिए। तो ये देखिए, ये लिख दीजिए ईमेल, तो ये स्टूडेंट का ईमेल हो जाएगा। और ईमेल जो है कौन सा डेटा टाइप होगा, हाइपरलिंक डेटा टाइप होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये हाइपरलिंक डेटा टाइप आपको मिल जाता है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और काम हो गया आपका। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब स्टूडेंट की फोटो लगानी होगी तो आप इस पर क्लिक करिएगा, डबल क्लिक करिएगा इस तरीके से, तो ये आ जाएगा। और आपके सिस्टम में जहां भी स्टूडेंट की फोटो मौजूद होगी उसको आप लगा लीजिएगा, ठीक है। यही आपको करना है, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत तो फिलहाल नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आप इस फोटो को लगा सकते हैं इजिली, ठीक है। फिलहाल हमारे पास अभी कोई फोटो अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ ऐसे ही, क्लियर है। तो अभी इसको सेव कर लेना है हमें, ठीक है। तो इसको सेव कर लिया जाए, यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, टर्म वन सेव हो ही चुका है। यहाँ से ये देख सकते हैं, ये टर्म वन वाला हिसाब किताब इस तरीके से आया हुआ है, इसको भी सेव कर लिया हमने। और अब इसको क्लोज कर देते हैं, ये जो तीनों टेबल्स हैं इन टेबल्स को एक एक करके सेव करके क्लोज करते चलिए, ठीक है। अगर सेव हो गया है तो ठीक है, नहीं तो सेव करके और फिर क्लोज कर दीजिए। फिर ये टर्म वन को भी सेव करके और क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये क्लोज कर दिया, अब तीन टेबल आ चुकी हैं। रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए आप दो तरीकों से क्रिएट करा सकते हैं। एक तो डेटाबेस टूल्स पे चले जाइए, बहुत आसान है, यहाँ रिलेशनशिप मिलेगी आपको। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर इसको लेके आइए, पहले रजिस्ट्रेशन टी को, ठीक है। स्टूडेंट टी हमारा मेन टेबल है और यहाँ पर टर्म वन का जो एग्जाम हुआ है उसको भी जोड़ना है इसी से। तो सारी टेबल्स आ चुकी हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। अब इसमें रिलेशनशिप क्रिएट करा लेते हैं, तो कैसे क्रिएट कराएंगे। देखिए, ये रजिस्ट्रेशन टी है, ये स्टूडेंट टी है, ये तीनों टेबल्स आपको दिखाई पड़ी रही होंगी। आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना है रोल नंबर प्राइमरी की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए टर्म वन वाले में, ये देखिए, ये टर्म वन वाला जो हिसाब किताब है उसको ध्यान दीजिए आप। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये इसमें भी आपको दिखाई पड़ रहा है और इसमें भी दिखाई पड़ रहा है, तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को उठाइए और इस वाले टेबल में जो प्राइमरी की है वहां पर ले जा करके रख दीजिए। और यहां से इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और इन तीनों पर टिक कर दीजिए, वन टू मैनी रिलेशनशिप ये क्रिएट हो जाएगा। और इसको क्रिएट करने के बाद क्या करना है, ये रोल नंबर को लिंक करवाना है रोल नंबर से, ठीक है। तो अब आप किससे किसको लिंक कराना चाहते हैं वो देख लीजिए, जैसे कि इसमें लिंक कराना चाहते हैं तो फिलहाल हम इसमें लिंक कराना चाहते हैं, तो ये रोल नंबर को उठाइए और सीधा इस रोल नंबर के सामने लाके रख दीजिए। तो ये इस तरीके से ये लिंक भी क्रिएट हो जाएगी आपकी, इस तरीके से देख सकते हैं ये लिंक क्रिएट हो गई। अब ये लिंक तो क्रिएट हो गया, इसको सेव कर लीजिए, तो ये सेव हो गया। अब हम इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली क्रिएट पे जाना है और अब हम फॉर्म डिजाइन करने वाले हैं। तो बहुत आसानी से यहाँ पे फॉर्म विजार्ड पे आप चले जाइए, आप नेविगेशन बनाना चाहते हो तो नेविगेशन पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये टर्म वन वाला हिसाब किताब है, लेकिन अभी हमको कहाँ जाना है, स्टूडेंट टी पे जाना है। स्टूडेंट टी से हमको क्या क्या चाहिए, हमें स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, फोटो चाहिए, ठीक है, और बाकी हमें कुछ और तो नहीं चाहिए। यहाँ से ईमेल आईडी ले सकते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी ले सकते हैं और नेम ऑफ स्टूडेंट भी चाहिए और स्टूडेंट की सिटी भी चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और चाहे तो नेम ऑफ फादर मदर ये ले सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन वाली टेबल थी उसमें चले आते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में हमको केवल रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, और यहाँ पर आएंगे टर्म वन वाले में तो हमको स्कॉलर नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए हमें। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लेके आ जाइए आप, और लेके आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सब फॉर्म क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है आपको, तो बस नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए करके यहाँ पर आ जाइए और यहाँ से मॉडिफाई डिजाइन पे जा करके और यहाँ से आप फिनिश कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा और आपके सामने आपकी टेबल पूरी तरह से क्रिएट होकर आ जाएगी। अब बस आपको सेटिंग करना है कि ये सही सही दिखाई पड़े, ठीक है। तो आप देखिए अभी ये अरेंज वे में एकदम से नहीं दिखाई पड़ रहा है, इधर उधर दिखाई पड़ रहा है, तो ये यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। फोटो जो है, फोटो हालांकि हमने इसमें दिया नहीं है, अलग अलग फोटोज लगाई नहीं है, हालांकि फोटो के लिए ये जो फील्ड है ये बना जरूर दिया है लेकिन फोटो हमने लगाया नहीं है। बना सकते हैं आप कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है,
कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए इसको हटा देता हूँ, स्टूडेंट टी जो टेबल है इसको मैं हटा देता हूँ, और फिर यहाँ से कॉम्बो बॉक्स, ये देख रहे हैं ये जो है कॉम्बो बॉक्स है, यहाँ पर जा करके और यहाँ पर इसको ड्रैग करवा दीजिए तो कॉम्बो बॉक्स आपका बन जाएगा। ठीक है, अब ये कॉम्बो बॉक्स बनेगा तो आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है, यहाँ नेक्स्ट पे जाना है, हम रोल नंबर के बेस पे सर्च करेंगे, किसके बेस पे सर्च करेंगे ये डिसाइड आपको करना है, और यहाँ से रोल नंबर ले लीजिए, एक ही चीज लेंगे हम रोल नंबर, इसी के बेस पे सर्च करने वाले हैं। तो अभी यहाँ से फिनिश पे कर देते हैं क्लिक, काम हो गया है आपका, अब ये लगभग बनकर के तैयार है आपका पूरा का पूरा डेटा। ठीक है, आप चाहे तो कलर चेंज कर लीजिए, यहाँ होम टैब पे जाइए और यहाँ से जो भी कलर आप देना चाहते हो वो कलर दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से कलर दे देंगे, अब यहाँ पर देखिए इसको अगर आप कलर करना चाहते बीच में आ जाएगा, या फिर यहाँ पर पकड़िए और उठा करके यहाँ पे बीच में रख दीजिए तो ये बीच में आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम चाहते हैं पूरा का पूरा डेटा जो है हम सिलेक्शन में ले लें, और सिलेक्शन में लेकर के हम करना क्या चाहते हैं, सिलेक्शन में लेकर के इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, सिलेक्शन में लेकर के बोल्ड कर देंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको रेड कलर में मैं बना देता हूँ पूरा डेटा, और यहाँ से कलर इसका चेंज करता हूँ, ये जो हिस्सा है इसका कलर हम चेंज करेंगे, चेंज करेंगे तो कौन सा कलर रखना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है, तो यहाँ से मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ, ये कलर कुछ इस तरीके से मैं रख लेता हूँ, और यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से का कलर कोई और कलर ले लेते हैं, हल्का कलर जो भी ठीक लगे वो ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कलर रख लेता हूँ, तो इस तरीके से ये कलर हमने रख लिया है, और फुटर पे आप चाहे तो बटन बनाना तो बटन भी बना सकते हैं यहाँ पे, और डिजाइन पे जाकर के जो भी आपको बटन बनाना हो यहाँ पे बटन बना लीजिए, जैसे इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऐसे ड्रैग करिएगा तो आपको बटन बन जाएगा इसमें। देखिए ये बटन वाला विंडो ओपन हो गया है, अब आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड फाइंड करना है तो नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए बटन बना लीजिए, यहाँ पर टेक्स्ट ही रखना चाहता हूँ मैं तो ये टेक्स्ट कर लीजिए, एक एग्जाम्पल देकर के मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट का बटन बना लिया हमने, और अगर आप कोई दूसरा बटन बनाना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर फिर इस तरीके से करके, और फिर यहाँ पे रिकॉर्ड ऑपरेशन, तो ये हम चाहते हैं कि यहाँ से ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन बना ले तो ये ऐड न्यू रिकॉर्ड का भी बटन बन जाएगा आपसे, बहुत आसान है। ठीक है, अन्य वीडियोज में भी मैंने सिखाया है और इस वीडियो में भी पूरा बता देता हूँ, और देखिए ये डेटा अपडेट कैसे नहीं हो रहा है आइए देखते हैं एक बार। ठीक है, अब ये इस तरीके से करके बनाएंगे तो डेटा आपका 100% अपडेट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल आपकी आ रही है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप जाइए और यहाँ से चूज कीजिए, जैसे आप वन चूज करेंगे तो वन की पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई है। ठीक है, हमने ईमेल आईडी नहीं डाला था तो ईमेल आईडी नहीं आ रही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइल ऐड अ न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नए रिकॉर्ड को भी आप ऐड करा सकते हैं, यहाँ पर रोल नंबर अपने आप ऐड हो जाएगा और बाकी की चीजें आपको ऐड करानी है, जैसे ईमेल आईडी आप ऐड कराएंगे। ठीक है, ये फोटो वाला हिसाब किताब है, तो अगर फोटो है तो आप जाइए और यहाँ से ऐड रिकॉर्ड पे जा करके, हमारे सिस्टम में फोटोज मौजूद नहीं है, यहाँ पर देखता हूँ अगर कोई फोटो होगी तो लगा दूंगा, तो यहाँ से जाकर के आप फोटो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप कोई नया रिकॉर्ड अगर ऐड कराते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी एक नया रिकॉर्ड ऐड कराइए, इसी फॉर्म में ऐड कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रोल नंबर अपने आप आएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ 123@gmail.com, एक एग्जांपल के लिए ईमेल आईडी ले लेता हूँ, ये ईमेल आईडी डाल दी हमने और यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर नाम देना है स्टूडेंट का। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ राजू सिंह। ठीक है, ये स्टूडेंट का नाम हो गया, क्लियर, राजू सिंह स्टूडेंट का नाम है, और यहाँ पर सिटी इनकी कर देते हैं गोरखपुर, तो ये लिख दिया गोरखपुर। ठीक है, तो ये हो गया, और फिर यहाँ पर नेम ऑफ फादर, तो यहाँ पे फादर का नाम डाल देते हैं, यहाँ पे सुयश देना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1005। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, और यहाँ पे देखिए ये कह रहा है फील्ड कैन नॉट अपडेटेड, तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये हो जाएगा काम आपका, और फिर अब आपको करना क्या है, इसको बंद कर दीजिए एक बार बंद कीजिए, और फिर यहाँ पर आइए, यही है ना, इस पर क्लिक कीजिए तो ये आप देखेंगे कि ये जो आपने डाला है ये सब अपडेट हो गया। ये देखिए रोल नंबर 4 भी आ रहा है, यहाँ पे 4 देख रहे हैं, 4 की पूरी डिटेल 1 2 3 जो दिया था ये अपडेट हो जाएगा अपने आप।